गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हूं मैं आज आपके सामने डेवऑप्स का लेक्चर नंबर 27 लेके, जिसमें आज हमें देखना है कि भैया डॉकर के अंदर डिफ कमांड क्या होती है, डॉकर फाइल कैसे क्रिएट होती है और उस फाइल से कंटेनर कैसे क्रिएट होता है। बेहद इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा। लैब बेहद आसान है, मैंने आपको कई बार बोला है कि डॉकर बेहद आसान है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। आज हमने करना क्या है, मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि डॉकर इमेज क्रिएट करने के तीन तरीके होते हैं। आप जरा अपने दिमाग पे जोर दीजिए और जरा कोशिश करिए कि डॉकर इमेज क्रिएट करने के कौन से तीन तरीके थे। आई वॉन्ट टू थैंक सिंपली लर्न फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो एंड ऑफरिंग ऑल दी व्यूअर्स एन एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ऑन देयर डेटा साइंस मास्टर्स प्रोग्राम विच हैज बीन को डेवलप्ड विद IBM delivered via their unique blended learning model. This program combines high engagement online classroom learning with world-class content and faculty. You can gain hands-on exposure to 30+ in-demand skills and tools including R, SAS, Python, Tableau, Hadoop, and Spark. You also get plenty of practice with 15 real-time projects and a capstone project. By purchasing this 12-month comprehensive course, you get lifetime access to all the pre-recorded content, receive $1200 worth of IBM cloud credits, and have access to IBM Watson 24/7. On completing the program, you get industry-recognized IBM certificates and a globally accepted course competition certificate from Simply Learn. I recommend this course to anyone interested in building a career in data science. Click the link in the description to get started. जिनको याद आ गए बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं आए बादाम खाने शुरू करें, थोड़ी सी फ्रूट व्रूट खाएं, मतलब पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, याद भी होना चाहिए, ठीक है। तो यार याद भी रखना शुरू करो, ठीक है। तो पहला तरीका क्या था, पहला तरीका यह था कि भैया आपने क्या किया, आपका ये डॉकर हब है और डॉकर हब से आपने जो है एक इमेज को पुल किया, आपने सपोज Ubuntu को पुल किया, तो आपकी जो बेस मशीन है वो इसकी एक इमेज बना लेगा, ठीक है, और इस Ubuntu से फिर वो एक कंटेनर क्रिएट करेंगे, राइट। तो एक्चुअली में होता क्या है, जब आप कमांड चलाते हैं और वो अगर आपकी बेस मशीन में नहीं है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो डॉकर हब से उस इमेज को हम पुल करते हैं और पहले उसकी बेस इमेज पे जो हमारा बेस हार्डवेयर है, जो हमारा होस्ट है, उसके ऊपर हमारा डॉकर डायमंड चल रहा है, राइट। तो डॉकर डायमंड क्या करेगा, सबसे पहले वो एक इमेज अपने पास रख लेगा कि भैया अगली बार कोई बंदा मेरे से यही चीज मांगे तो मुझे दोबारा डॉकर हब के पास ना जाना पड़े। तो ये पहला तरीका था कि वो डॉकर हब से लेकर उस चीज को लेकर आता था और उसकी एक इमेज बना लेता था, फिर उस इमेज से वो कंटेनर क्रिएट करता था। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका ये था कि आपने एक पहले अपने खुद की, यानी आप यहीं पर एग्जांपल में समझ लें कि अब आपने ये सारा काम कर लिया, आपने कंटेनर के ऊपर बहुत सारी फाइलें बना दी, आपने 100 फाइल्स और क्रिएट कर दी, ऐड कर दी, सारा काम इसके अंदर कर दिया, सब कुछ इंस्टॉल कर दिया, जो भी एक्स्ट्रा आपको करना था, गिट इंस्टॉल करना था, शेफ इंस्टॉल करना था, सब कुछ आपने कर लिया। अब आप कहते हैं यार दूसरे बंदे को, मेरी दूसरी टीम जो है जिसने यही काम दोबारा करना है, उसको ये सारा काम खुद से ना करना पड़े, मैंने तो इतनी मेहनत कर ली है, मैं उसको कंटेनर ही शेयर कर देता हूं ना ये वाला, उसको अब ये कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ मेरी मशीन में है, तो मैं उसको अपनी कंटेनर की इमेज बना के दे देता हूं, इससे कि अब उसे कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, एज इट इज कंटेनर उसके यहां रन हो जाएगा, जो जो कुछ मेरे यहां है वो उसके यहां पे अपने आप क्रिएट हो जाएगा, यानी ये 100 फाइलें जो है अपने आप क्रिएट हो जाएंगी उसके कंटेनर में जब मैं इमेज इसकी बना के शेयर करूंगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसकी एक इमेज बना लेते हैं और अब हमने इसकी इमेज बनाई जो कंटेनर अभी हमने हमारा क्रिएट किया था, इस पे हमने सारा काम कर लिया, इसकी हमने इमेज बनाई और इसकी हमने इमेज बना के बंदे के साथ शेयर कर दी। अब जब वो बंदा इस इमेज से कंटेनर क्रिएट करेगा तो उसे ये 100 फाइल्स अपने आप नजर आ जाएंगी, यानी उसको मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो दूसरा तरीका ये था कि आप अपने कंटेनर से इमेज बनाते हैं, जो कंटेनर पे आप काम कर रहे हैं आप उससे इमेज बनाते हैं। फिर आता है तीसरा तरीका, क्या था तीसरा तरीका, था कि भैया आप एक डॉकर फाइल लिखते हैं, डॉकर फाइल यानी इसमें आप कुछ प्रोग्राम कोड कमांड्स लिख देते हैं और उसके बाद आप जो है बिल्ड कमांड के थ्रू, मैं आपको भी पढ़ाऊंगा आज के लेक्चर में, उसके थ्रू आप इस फाइल से कंटेनर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो पहले तो इमेज क्रिएट होगी, पहले इस फाइल से क्या क्रिएट होगी, एक इमेज क्रिएट होगी और उस इमेज से क्या क्रिएट होगा, हमारा एक कंटेनर क्रिएट होगा। तो ये तीन तरीके थे, अगर आप भूल गए तो मैंने दोबारा याद दिला दिया। तो आज अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम पहले ये देखते हैं कि हमारा जो है कंटेनर
जो हमने ये वाला सिनेरियो अभी हमें करके देखना है कि पहले हम एक डॉकर हब से एक उबंटू वाली इमेज लेके कंटेनर बनाएंगे, उसमें कुछ काम कर लेंगे, कुछ भी कोई फाइल क्रिएट कर देंगे फॉर एग्जांपल, और वो फाइल क्रिएट करने के बाद उस कंटेनर की हम इमेज बनाएंगे और उस इमेज से हम दोबारा कंटेनर क्रिएट करेंगे और ये चेक करेंगे जो फाइल हमने यहाँ बनाई थी। सपोज मैंने यहाँ पे माई फाइल के नाम से कुछ बनाया, तो वो माई फाइल मुझे जब मैं इस इमेज से कंटेनर क्रिएट करूँ तो मुझे यहाँ नजर आना चाहिए। तो ये मेरा पर्पज है। तो इसके लिए क्या स्टेप्स होंगे वो मैं अब आपको आगे बताता हूँ, ठीक है, और हम देखते हैं कि इसके क्या स्टेप्स हैं। तो अब हम जरा यहाँ पे कुछ स्टेप्स हमने लिख दिए हैं, तो इसको हम देख लेते हैं लैब में हम जो करने वाले हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहां पे हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें हमारे AWS अकाउंट में लॉगिन करना है जैसा कि हम हमेशा करते हैं, क्योंकि डॉकर की लैब भी हम वहीं पर कर रहे हैं। और आप सबको मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आप अपना जो डॉकर की जो हमने बनाई थी EC2 इंस्टांस में जो डॉकर इंस्टॉल किया था उस मशीन को आप स्टॉप कर दें। तो आपने जो मशीन स्टॉप की हुई है आप आज सारा काम उससे आगे करें, उससे स्टार्ट करके, और अगर वो गलती से डिलीट हो गई है जैसे कि मैंने कर दी है, मेरे से भी डिलीट हो गई है, तो हम क्या करेंगे, हम उसे दोबारा बना लेंगे और ये सारा काम आज वहां से करेंगे। कोई मसला नहीं है, पहले वाली मशीन पे भी कर सकते हैं, जो नई हम बनाएंगे उस पर भी दोबारा से कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले आपने AWS अकाउंट में करना है, EC2 इंस्टांस लॉन्च करना है, उसको एक्सेस करना है पुटी के थ्रू। उसके बाद हमारा पर्पस क्या है आज, मैंने ऐसे जैसा कि आपको बताया कि हमें अपने खुद के कंटेनर, जो हमारा खुद का कंटेनर है जिसमें बहुत सारे काम हमने कर रखे हैं, उसकी इमेज बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नया कंटेनर बना लेते हैं, ठीक है। तो कंटेनर बनाने के लिए क्या कमांड होती है, तो ये जो कंटेनर मैं बना रहा हूं ये अगर आपकी बेस मशीन में पड़ा है तो वहां से ये इमेज उठा के बना लेगा। जैसे कि मेरे को Ubuntu बनाना है तो Ubuntu जाकर बेस मशीन में पड़ा है तो बेस मशीन से बना लेगा अगर Ubuntu की इमेज हमारे पास है, नहीं तो ये डॉकर हब से लेके आएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम जब ये कमांड देंगे डॉकर रन -it तो क्या होगा कि हमारा जो कंटेनर है वो रन करेगा, ठीक है। नेम कंटेनर का मैं क्या देना चाहता हूं, मैं कहता हूं जी भुप्पी कंटेनर नाम से आप एक कंटेनर बना दो और उसमें Ubuntu जो है मुझे रखना है, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम Ubuntu चलाना चाहता हूं। -bin -bash ये कमांड होती है, ये आपको लिखनी है। तो ये कमांड किस लिए है, कंटेनर को क्रिएट करने के लिए और उसको रन कराने के लिए, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। यहां पर हमने कंटेनर क्रिएट भी कर दिया, रन भी करा दिया। उसके बाद देखिए आप कोई भी कंटेनर बनाते हैं उसके अंदर कुछ डिफॉल्ट डायरेक्टरीज होती हैं, जैसे कि लिनक्स के अंदर भी होती हैं हमारे, तो कंटेनर में मैंने आपको दिखाया बहुत सारी डिफॉल्ट डायरेक्टरी होती हैं। तो मैं कहता हूं कि यार मेरे पास एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी है टैम्प, मैं उसके अंदर चलता हूं। तो उसके अंदर जाने के लिए ऑफकोर्स आपको चेंज डायरेक्टरी करना पड़ेगा ताकि आप टैम्प के अंदर चले जाए। तो आपने टैम्प करके फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया, टैंप के अंदर आ जाएंगे। अब टैंप के अंदर आने के बाद मैं कहता हूं मैंने कुछ काम किया, कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, कुछ भी किया, व्हाटएवर। तो यहां पे ऐसे ही मैंने क्या किया, मैंने टैंप के अंदर जाके एक फाइल बना दी माई फाइल के नाम से। फाइल बनाने के लिए आपको पता है टच कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, VI का कर सकते हैं, कैट का कर सकते हैं। तो मैंने यहां पे क्या किया, मैंने माई फाइल बना ली टच कमांड देके। अब इस फाइल में कुछ भी हो सकता है, मेरा कुछ भी डाटा हो सकता है, एक एग्जांपल है। इसकी जगह रियल टाइम सिनेरियो में आपकी खुद की कई सारी फाइलें पड़ी होंगी इधर उधर किसी डायरेक्टरी में, कहीं कोई किसी डायरेक्टरी में। तो ये वो एग्जांपल देने के लिए है, सो दैट जब मैं इसकी इमेज बना लूं और उस इमेज से दूसरा कंटेनर बनाऊं तो ये फाइल मुझे नजर आए दोबारा वापस, तो उससे ये पता चलेगा कि जो भी काम हमने इस मशीन में किया था वो हमें दोबारा नजर आ रहा है दूसरी जगह, राइट। वी आर replicating the environment, right? So we are replicating the environment. So हमने ये काम करना है। अब हम क्या करेंगे, इस टैंप के अंदर जाएंगे, टैंप डायरेक्टरी के अंदर, और यहां एक माई फाइल नाम से हम एक जो है अपनी एक फाइल क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है, नाउ इफ यू वॉन्ट टू सी द डिफरेंस बिटवीन द बेस इमेज एंड चेंजेस ऑन इट, देन देखें ये डॉकर के अंदर एक कमांड होती है डिफ के नाम से। डिफ के नाम से एक कमांड होती है, आपने डॉकर डिफ लिखना है। डॉकर डिफ लिखने के बाद आपने अपने कंटेनर का नाम लिखना है और जिस उस कंटेनर को आपने लिख दिया उसके बाद आपने कि आपने जो बेस इमेज से बनाया था, यहां से आपने जो मशीन बनाई, यहां पर मैंने क्योंकि ये कंटेनर क्रिएट किया था भुप्पी कंटेनर,
कंटेनर क्रिएट होने के बाद या जब वो बेश मशीन से लेकर हमने बनाया, उसके बाद हमने क्या क्या चेंजेस किए, ये सारी बात हमें ये बताता है डिफ कमांड। यानी कोई चीज बनी और उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए। जैसे आप लैपटॉप में विंडोज इंस्टॉल करते हो तो वो विंडोज इंस्टॉल हो गई, उसके बाद आपने एक साल तक चलाया तो आप बहुत सारे चेंजेस करते हो, कई सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, कई सारी फाइलों में चेंजेस करते हो, वो सारा काम क्या होगा, डिफरेंस होगा कि जैसा हमने इंस्टॉल किया उसके बाद आपने क्या क्या किया। तो ऐसे यहां पर यह है कि जो बेस इमेज आपने ली, जो आपने बेस इमेज अपनी बनाई या जिस भी इमेज से आपने बनाया, उसके बाद आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं उस मशीन में, वो आपको नजर आने चाहिए। तो यहां पे डिफ कमांड का पर्पज यही है। तो हमने क्या चेंज किया, हमने सिंपली टेम्प डायरेक्टरी में एक फाइल बनाई है, तो हमें वो नजर आना चाहिए कि भैया आपके ये कंटेनर बनने के बाद आपने ये चेंजेस इसमें किए हैं। ठीक है ना, बात समझ आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जैसे ये कमांड चलाई, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास कुछ इस तरह के इंफॉर्मेशन आ गई। यहां पे लिखा होगा CACA या DB हो सकता है, तीन चीजें हो सकती हैं। D का मतलब डिलीशन होता है, ठीक है ना, मैं लिख भी देता हूं, D का मतलब होता है डिलीशन, C का मतलब होता है चेंज एंड A का मतलब होता है अपेंड या फिर एडिशन, या फिर एडिशन। ओके, तो अब ये इस तरह के कुछ आपको नजर आएंगे। जैसे सी का मतलब नजर आएगा कि भाई मैंने किस में चेंज किया, मैंने रूट डायरेक्टरी में चेंज किया कहीं ना कहीं। ठीक है, तो हम जो भी चेंजेस करते हैं वो एक्चुअली हम यहां करते हैं। ठीक है, मतलब जो कुछ भी ये हो रहा है ना, टैम्प किया, टैम्प फाइल किया, ये एक्चुअली में यहाँ पे हो रहा होता है रूट डायरेक्टरी के अंदर, और बैश हिस्ट्री में वो स्टोर हो रहा होता है। इसलिए ये चीज हमें यहाँ नजर आएगी कि भैया आपने रूट डायरेक्टरी के अंदर कुछ चेंजेस करे हैं जो मुझे बैश हिस्ट्री में नजर आ रहे हैं, वो एड हो गए एक्चुअली वहां पे। तो अब आपने क्या चेंज किया, आपने टैम्प डायरेक्टरी में चेंज किया, इसलिए यहाँ पे सी नजर आ रहा है, और आपने एड क्या किया, माई फाइल एड किया, इसलिए आपको यहाँ ए नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आपको वो डिफरेंसेस नजर आएंगे जो आपने बेस इमेज में किए हैं। ठीक है, जो भी आपने अपने कंटेनर में चेंजेस किए होंगे, अगर कुछ डिलीट किया होगा तो वो डी से लिखा होगा, डी का मतलब डिलीट होता है, कोई फाइल आपने डिलीट करी है, कोई ऐड करी है तो ए से नजर आएगी। तो इस तरीके से आपको ये सारे चेंजेस नजर आ जाएंगे। उसके लिए जो इंपॉर्टेंट कमांड है दैट इज डिफ, डॉकर डिफ, ये आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है। ठीक है, उसके बाद कंटेनर का नाम आएगा, सिंपली आप डॉकर डिफ कंटेनर का नाम लिख दें, आपका काम हो जाएगा। इमेज डॉकर डिफ कंटेनर का नाम, तो यहां पे आपको यही लिखना है, वो बाय मिस्टेक यहां पे मेरे से इमेज का नाम लिख गया था। ठीक है, तो ये सारा काम होने के बाद अब आपने डिफ कमांड चला के देख ली कि भाई डिफरेंसेस कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। उसके बाद अब हम क्या करना चाहते हैं, हमने कंटेनर में सारा काम कर लिया, फॉर एग्जांपल हमने बहुत सारे सॉफ्टवेयर उस पर अपडेट कर दिए, इंस्टॉल कर लिए, अब हमने अपना प्रॉपर एक कंटेनर बना लिया जो हमारी एप्लीकेशन को रन करा सकता है। अब हम उस कंटेनर की इमेज बनाएंगे, यानी हमने जो कंटेनर बनाया अब हम उसकी इमेज बना रहे हैं। तो उसके लिए कमांड होती है कमिट, डॉकर कमिट। आप जैसे ही डॉकर कमिट लिखेंगे, कमिट का मतलब है आप अपने कंटेनर की इमेज बना रहे हैं। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, अगर आप डॉकर कमिट कंटेनर का नाम लिखते हैं इसका मतलब इस कंटेनर की इमेज क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अगर आप उस कंटेनर की इमेज को नाम भी देना चाहते हैं तो उसके बाद आप उसका नाम भी लिख दें, स्पेस देके डॉकर कमिट न्यू कंटेनर और इमेज का नाम। तो ये तो है कंटेनर का नाम और ये है उस इमेज का नाम जो आप देना चाहते हैं। तो आप जो है इस तरीके से कर सकते हैं। अब इस कमांड से डॉकर कमिट आप याद रखिएगा, जब भी आपने अपने कंटेनर की इमेज बनानी है तो यह कमांड आपको याद रखनी है, डॉकर कमिट कंटेनर का नाम, जो भी जिस कंटेनर की इमेज आप बनाना चाहते हैं, और फिर वो इमेज का नाम आप दे दें जो भी रखना चाहते हैं आप उस इमेज का नाम। अगर आप ये चीज नहीं लिखेंगे, इमेज का नाम नहीं लिखेंगे, तो एक इमेज क्रिएट हो जाएगी बट उसका कोई नाम नहीं होगा। उसके बाद आपको उसे टैग देना पड़ेगा और टैग देके आप उस इमेज को नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब बनने के बाद एक बार हम चेक कर लेंगे डॉकर इमेजेस से हमारी इमेज बनी या नहीं बनी। अब इमेज हमारी बन गई, अब उस इमेज से फॉर एग्जांपल दूसरे बंदे को हमें वो इमेज देनी है, वो अपने एनवायरनमेंट में अब सेम कंटेनर क्रिएट करना चाहता है, उसको भी वो एप्लीकेशन टेस्ट करनी है, तो
अब हम क्या करेंगे, हम उसको पुल करके डॉकर हब पे डाल सकते हैं, वो वहां से उसको उठा लेगा, ठीक है ना, पुश कर देंगे हम और वो पुल कर लेगा डॉकर हब से, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि अब हमें हमारे जो है इमेज से कंटेनर क्रिएट करना है। उसके लिए क्या कमांड है, वही सिंपल कमांड है हमेशा जो होती है, डॉकर रन हाइफन टी हाइफन हाइफन नेम। अब की बार मैं कंटेनर का नाम क्या दे रहा हूं, मैं राज कंटेनर नाम दे रहा हूं, और मैं किस इमेज से बना रहा हूं, मेरी इमेज का नाम मैंने अपडेट इमेज रखा था, तो मैं अपडेट इमेज से कंटेनर क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है। यानी कुछ नया नहीं है, आपने सिर्फ एक नई कमांड सीखी है, दैट इज डॉकर कमिट। डॉकर कमिट से आप अपने कंटेनर की इमेज बना लेते हैं और उस इमेज से आप फ्यूचर में अगेन सेम कमांड इस्तेमाल करके इमेज का नाम देके आप अपने कंटेनर को क्रिएट कर लेते हैं, एक और कंटेनर क्रिएट हो जाएगा। लेकिन इस बार क्या फर्क होगा, इस बार इस कंटेनर के अंदर जो इस कमांड से क्रिएट होगा उसमें आपको माई फाइल पहले से नजर आएगा, क्योंकि आपने अब की बार जो इमेज बनाई है उसमें वो सारी चीजें हैं। तो अब जब मैं वही चीज चेक करना चाहता हूं क्या माई फाइल मुझे नजर आ रहा है, तो मैं ls करूंगा, कंटेनर के अंदर हूं मैं फिलहाल, रूट एट द रेट कंटेनर आईडी मैंने लिखा हुआ है, मैं यहां पे ls करता हूं, मुझे बहुत सारी डायरेक्टरी नजर आएंगी। मैंने टेम्प डायरेक्टरी के अंदर माई फाइल क्रिएट की थी, तो मैं टेम्प डायरेक्टरी के अंदर जाऊंगा और यहां जाने के बाद जब मैं ls करूंगा तो मुझे माई फाइल नजर आएगा, यानी जो कुछ किया था वो मुझे वापस मिल गया मेरे नए कंटेनर में, ठीक है। सो दिस इज द सिनेरियो जिसकी हम किस तरीके से जो है अपने खुद के कंटेनर की इमेज बना सकते हैं और उससे कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं एक और नया। अब कुछ आगे की बात कर लेते हैं। ओके जी, तो आ गए हम अपनी लैब के ऊपर और ये थोड़ा सा कंसोल हमारा AWS का चेंज हो गया है, तो आपने सर्विसेज पे जाना है। अभी मैं मुंबई रीजन के अंदर हूँ और EC2 इंस्टांस पे क्लिक करते हैं, रनिंग इंस्टांसिस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे मुझे कोई इंस्टांस नजर नहीं आ रहा क्योंकि मेरे से वो गलती से डिलीट हो गया जो मैंने पहले बनाया था। आपके केस में आपको यहाँ पे एक डॉकर इंस्टांस नजर आ रहा होगा जो आपने लास्ट लैब में स्टॉप किया था। अगर नजर आ रहा है तो आप उसे स्टार्ट कर लें, और अगर आप भी डिलीट कर चुके हैं तो आप फिर मेरी तरह करें जैसे मैं कर रहा हूं, ठीक है। एक चीज और, जिनका स्टॉप था वो जरा अपने बिलिंग में जाके देखें, आपका बिल बन गया होगा, मुझे गाली ना देना, वैसे बिल बन गया तो टेंशन नहीं है, आप उन्हें बस आपको कुछ नहीं करना है, आप इग्नोर कर दें, आपको पैसे वैसे कुछ नहीं दे रहे हैं, नो नीड टू वरी। पर अपने बिलिंग मैनेजमेंट में जाएंगे ना तो आपको कुछ पैसे नजर आएंगे जैसे मेरे को नजर आ रहे होंगे, ये देखें 257 रुपए मुझे भी देने हैं, मैं भी आपकी तरह गरीब हूं, मुझे भी देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप जरा चेक करें आपका बिल कितना बना है, क्योंकि वो जो मशीन थी वो तो बंद थी पर स्टोरेज तो इस्तेमाल हो रही थी ना, तो आपका भी कुछ बिल बना होगा, नो नीड टू वरी। अगर आप उसे वेव ऑफ कराना चाहते हैं कि भैया मेरा बिल माफ हो जाए, तो आप सपोर्ट में जाके आप सपोर्ट सेंटर में उन्हें मैसेज कर दें और उसमें लिख दें कि मैं ये पढ़ने के लिए कर रहा था, मुझे पता नहीं था, तो वो आपका माफ कर देंगे, ठीक है। आप इग्नोर भी करेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। तो अब मैं यहां पे आ गया हूं, मैं रनिंग इंस्टांस दोबारा से इसे खोल लेता हूं और यहां पे लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करते हैं। अब यहां देखिए, आपने ना ये वाली लिनक्स लेनी है जिसमें इंक्लूड डॉकर लिखा है, क्योंकि हमें इसमें फिर डॉकर को डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। तो आप ये वाली आप मशीन लेके सिलेक्ट कर लें, अगर आप भी मेरी तरह दोबारा बना रहे हैं। अगर आपकी पुरानी मशीन है तो आप स्टार्ट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहें तो कंफ्यूजन नहीं चाहते तो आप एक काम करें, उसे डिलीट कर दें और मेरी तरह फ्रेश से कर लें आप, मतलब दोबारा से ही कर लें, बेटर है, क्योंकि फिर वो कंफ्यूजन नहीं आएगा कोई भी किसी तरीके का। तो सेम टू सेम आप मेरे साथ चल सकते हो, तो आप वो डिलीट कर दो अगर करना चाहते हो, ठीक है। और अगर गाली देने का मन कर रहा है कि यार फिर स्टॉप क्यों कराई थी, बिल बन गया, कोई नहीं यार, हो जाता है कभी कभी, माफी चाहता हूँ, ठीक है, दिल पे ना लिया करो। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टांस 1 ही चाहिए, इनेबल रखते हैं, सब कुछ ऐसे ही रहने दें, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट पे जाएं, यहाँ पे टैग में कुछ नहीं देना, नेक्स्ट पे जाएं। सिक्योरिटी ग्रुप को नाम दे दें आप डॉकर SG, और यहाँ पे दो रूल आप लगा दें, एक SSH लगा दें, एक HTTP लगा दें, दोनों को एनीवेयर कर दें, और उसके बाद रिव्यू एंड लॉन्च करें, लॉन्च पे क्लिक करें, की पेयर एक नया बना लें, इसको नाम दे दें डॉकर 123, डाउनलोड कर लें, उसके बाद आप लॉन्च इंस्टांसिस पर क्लिक करें, लॉन्च फेल्ड आ रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट, बैक टू रिव्यू स्क्रीन करें, प्रीवियस करें, तो डॉकर SG1 आप कर दें, रिव्यू एंड लॉन्च करें, लॉन्च करें, इसी की को आप दोबारा रखें जो अभी बनाई है और लॉन्च इंस्टांस करें। तो ये देखिए, ये मेरा बन गया है। आप इसे व्यू इंस्टांसिस पे जाएं, थोड़ा टाइम लगेगा मशीन को रेडी होने में। यहाँ पे हम इसको नाम भी दे देते हैं, नाम देना है इसको डॉकर
मशीन सेव। तो ये मेरा डॉकर मशीन के नाम से सेव हो गया है। एक बार ये रेडी हो जाए फिर मैं आपको आगे के स्टेप दिखाता हूँ। तो जी डॉकर मशीन मेरी रेडी हो गई है, इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ से और इसको थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं। यहाँ से इसकी पब्लिक आईपी कॉपी करते हैं। ये देखें पूरा इंटरफेस चेंज हो गया है और परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जो लोग हमारा AWS पढ़ चुके हैं वो कह रहे होंगे कि यार AWS की लैब भी सारी चेंज हो गई है, मुझसे हो नहीं पा रही है ऑटो स्केलिंग की लैब और ये और वो। तो सारी अपडेटेड लैब मैं एक ही बार में बना दूंगा, नो नीड टू वरी। आपको बिल्कुल अभी इन्हें जो चेंजेस करने हैं इन्हें करने दो, अगले एक महीने के बाद आपको AWS की अपडेटेड लैब मिलनी शुरू हो जाएंगी हमारे ही चैनल पर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू वरी। तो पब्लिक आईपी यहां से कॉपी किया, अब इसको हम चलते हैं पुटी में। यहाँ पे आप पुटी जैन में जाएं पहले क्योंकि हमें दोबारा से करना पड़ेगा, मेरी नई मशीन है। तो डाउनलोड पे चलते हैं और यहाँ पे ऑल फाइल्स करते हैं। तो डॉकर 123 नज़र आ रहा है, ओपन करें, ओके करें, सेव प्राइवेट की करें, यस करें और डेस्कटॉप पे इसे सेव कर लें 123 की के नाम से और सेव कर लें, इसे क्लोज करें। अब पुटी आप ओपन करें, यहाँ पे पब्लिक आईपी पेस्ट करें, SSH में जाएं, auth पे जाएं, ब्राउज करें और यहाँ आप डेस्कटॉप पे आ जाएं। यहाँ 123 की आपको नज़र आ रहा है, इसे आप ओपन करें, इसे आप ओपन करें। आप देखें ये यहाँ पे वार्निंग आएगी, इसे आप यस करें और इसे बड़ा करें। यहाँ पे आप इसका अपीयरेंस भी चेंज कर लें, ये सब मैं पहले कई बार बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ इसे 18 कर लेते हैं, ओके करते हैं, अप्लाई करते हैं। और अब क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम, अभी मेरी फ्रेश मशीन है तो EC2 हाइफन यूज़र, मैं EC2 के अंदर आ जाऊँगा, लॉगिन हो जाऊँगा। अब सबसे पहले वही sudo su करते हैं, sudo su भी हो गया। अब आप एक बार अपडेट भी कर लो, yum update hyphen y, जो भी कुछ अपडेट होना है वो हो जाएगा, अपडेट भी हो गया। अब आप एक काम करो, पहले डॉकर इंस्टॉल कर लो क्योंकि इस मशीन में पहले से डॉकर है तो डाउनलोड करने की जरूरत तो है नहीं। यम इंस्टॉल डॉकर हाइफन वाई, एंटर करें। तो लीजिए जी डॉकर भी इंस्टॉल होने लगा। तो डॉकर इंस्टॉल हो गया है लेकिन अभी क्या है ना, मेरा डॉकर जो है ये स्टॉप होगा। आप इसकी अगर मैं आपको स्टेटस दिखाऊं ना, सर्विस डॉकर स्टेटस, तो आपको नजर आएगा कि ये डॉकर इज स्टॉप आ रहा है ना। तो मुझे इसे स्टार्ट करना है। स्टार्ट कैसे होता है, सर्विस डॉकर स्टार्ट, बड़ी सिंपल सी कमांड होती है, मैंने आपको बताया डॉकर के अंदर, सर्विस डॉकर स्टार्ट। जी डॉकर स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, तो कोई मसला नहीं है, अब डॉकर स्टार्ट भी हो गया साहब। अब हमारा सारा काम हो चुका है क्योंकि हमने गलती से डिलीट कर दी थी। अब इसके आगे हमने अपना आज की जो लैब है वो करके देखनी है। तो इसके लिए काम करते हैं, सबसे पहले कंटेनर बना लेते हैं। तो कमांड क्या है, डॉकर रन हाइफन हाइफन नेम भुप्पी कंटेनर, हम इसको नाम दे देते हैं, स्पेस आईटी हाइफन टी सॉरी और हाइफन आईटी। उसके बाद कौन सा ओएस चाहते हैं, उबंटू इमेज आप भैया डॉकर हब से उठा लाना, और मैं कहता हूँ हाँ /bin/bash। तो ये कमांड है जो आपको अपने, अगर एक कंटेनर क्रिएट करना चाहते हैं जिसका नाम मैंने भुपी कंटेनर रखा है और उबंटू मैं इस पे चलाना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये डॉकर हब से उठा के लाएगा। मैं एंटर करता हूँ, अब ये कहता है जी लोकली तो मिल नहीं पा रहा, मैं इसे पुल करके लेके आता हूँ लाइब्रेरी में से। तो लाइब्रेरी पे गया, ये पुल करके लेके आया गरीब आदमी। अब ये पुल हो गया और अब मैं कहाँ पे आ गया, मैं अपने कंटेनर के अंदर आ चुका हूँ। बात समझ आ रही है आप, मैं अपने कंटेनर के अंदर आ चुका हूं। अब हमने क्या करना है, अब हम जरा ls करके देखते हैं मुझे क्या क्या नजर आ रहा है। ये देखें मुझे कई सारी फाइल नजर आ रही है, bin है, dev है, home है, usr है, temp है, ये इतनी सारी डायरेक्टरी मुझे नजर आ रही है। अब मैं कहता हूं यार एक काम करो, आप ना temp के अंदर चलो, ये जो temp है ना आप इसी के अंदर चलो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, cd स्पेस temp/ एंटर। अब मैं टैम्प के अंदर आ गया। अब मैं कहता हूं यार इसके अंदर ना एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, हम इसके अंदर कुछ फाइल क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया कि भाई जो चेंजेस हैं वो फिर हमें डिफ से नजर आ जाएंगे, मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं कंटेनर के अंदर। तो मैं चेंज ये करता हूं कि मैं इसके अंदर एक फाइल बना लेता हूं टच, और फाइल का नाम दे देता हूं मैं
भूपी फाइल, एंटर। तो मैंने कहा जी मेरी फाइल बन गई, आप एलएस करें, आप देख सकते हैं आपको एक फाइल नजर आ रही है भूपी फाइल के नाम से। ठीक है, अब आप एक काम करें, आप इसको एग्जिट कर दो। तो मैं कंटेनर से बाहर आ गया। अब कंटेनर से बाहर आने के बाद, क्योंकि डिफ कमांड चलती है, कंटेनर के अंदर कोई कमांड नहीं चलती, तो आपने क्या करना है, अब हमें डिफरेंसेस देखने हैं कि भाई हमारे जो बेस मशीन थी, जो हमने बनाई थी इमेज से हमने जो भी कंटेनर बनाया उसके बाद क्या डिफरेंसेस आए हैं, चेंजेस आपने किया, मुझे वो दिखाओ। तो कमांड क्या है, डॉकर डिफ और कंटेनर का नाम भूपी कंटेनर। ठीक है, तो अब आप कहेंगे सर ये आपका नाम भूपी है, हमें पता नहीं था। यार नाम ना सबका लोग छोटा कर देते हैं, बड़े बदतमीज लोग होते हैं आजकल के, पता नहीं है, फिर मुझे भी आदत पड़ गई भूपी बोलने की चले अच्छी बात है। तो डॉकर डिफ भूपी कंटेनर और एंटर करें, तो ये देखें ये क्या दिखा रहा है आपको, सी से चेंज होता है। चेंज कहाँ हुआ है जी, रूट के अंदर, बैश रूट के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, वो सारे चेंजेस कहाँ स्टोर हो जाते हैं, बैश हिस्ट्री में, डॉट बैश हिस्ट्री में चेंजेस स्टोर हो जाते हैं। क्या चेंज किया है आपने, तो सी से चेंज होता है, ए से एडिशन होता है, आपको पता है। तो चेंज हमने टेम्प डायरेक्टरी में किया है, और क्या किया है, हमने एक गुप्पी फाइल नाम की फाइल बनाई है, ठीक है ना। तो ये चेंज हमने किया है, हमें समझ आ गया। तो ये सारी चीजें जो है आपको डॉकर डिफ से जो है नजर आ जाएंगी। आपको डॉकर डिफ लिख के उस कंटेनर का नाम लिखना है बस, और अपने आप आपको जो भी डिफरेंसेस होंगे वो आपको नजर आ जाएंगे, जो बाद में आपने किए होंगे, जो भी इमेज बनाने के बाद, इमेज से कंटेनर बनाने के बाद आपने जो भी चेंजेस किए हैं वो सब आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। अब हम एक काम करते हैं, अब हम इस कंटेनर की इमेज बनाते हैं। ठीक है, तो इसकी इमेज कैसे बनेगी, मैं इसे पहले क्लियर कर लेता हूँ कंट्रोल एल करके। तो हम इसको ना इसको एक इमेज बनाते हैं, डॉकर कमिट। कमिट से क्या बनता है, कंटेनर की इमेज बन जाती है, और कंटेनर का नाम क्या है, भूपी कंटेनर। ठीक है, इसकी मुझे इमेज बनानी है, तो इमेज का नाम हम देते हैं जी, क्योंकि मैंने अपडेट किया है इसमें, कुछ कुछ सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ अपडेट इमेज। यानी ये मेरी अपडेट इमेज है जिसमें मैंने बहुत कुछ डाल दिया है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए हैं फॉर एग्जाम्पल, और मैं एंटर करता हूँ। तो बड़ा सिंपल सी कमांड है, लेकिन यहां मैंने डॉकर की स्पेलिंग गलत लिख दी, और आप मुझे बताते भी नहीं हो, सो रहे हो मतलब बैठ के ना सारे के सारे, एक ने भी नहीं बोला। आप कहोगे क्या सर कैसे बोले हम यहाँ यूट्यूब पे से, हाँ आप रियल में होते तो बताते भी, बात तो सही है। तो डॉकर कमिट भूपी कंटेनर और अपडेट इमेज, एंटर करते हैं। तो देखें जी बन चुकी है इमेज, इतनी बड़ी है, इसकी एक आईडी नजर आ रही है। अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहते हैं, बनी नहीं बनी, तो आप डॉकर इमेजेस करें, परेशान होने वाली क्या बात है। और ये देखें आप, अपडेट इमेज के नाम से एक इमेज बन चुकी है, एक उबंटू पहले बनी थी जो ये उठा के लाया था, कहां से, डॉकर हब से उठा के लाया था। ये हमें पूछना सर कहां से उठा लाया, ठीक है, तो ये डॉकर हब से उठा के लाया था। और जी अब हमने क्या करना है, अब हमें इस इमेज से जो हमने बनाई है, अब फॉर एग्जाम्पल ये हमने किसी को दे दी, या हमने इसे डॉकर हब पे जो है वहां पे हमने पुश कर दिया और वहां हमने डाल दिए, तो वहां से जब कोई बंदा इसको उठाएगा तो वो इससे कैसे इमेज बनाएगा, कंटेनर बनाएगा, वही सेम घिसी पिटी कमांड है, डॉकर रन हाइफन आईटी, उसके बाद हाइफन हाइफन नेम आप लिख दें, नेम आप अपने कंटेनर को क्या देना चाहते हो, मैं कहता हूँ जी राजपूत कंटेनर दे दो आप। ठीक है, तो इस बार हमने राजपूत कंटेनर दे दिया, और ये कंटेनर किस इमेज से आप बना रहे हो वो इमेज तो बतानी पड़ेगी ना, तो वो इमेज है जी अपडेट इमेज, और वैसे भी ये मेरी लोकल मशीन में पड़ी है, नहीं भी पड़ी होती तो ये वहां से उठा लाता डॉकर हब से। तो अपडेट इमेज हमने दे दिया, अब फॉरवर्ड स्लैश बिन और फॉरवर्ड स्लैश बैश हमारे जय वीरू, और इसके बाद हम करते हैं इसको एंटर। और ये देखें जी हम आ गए अपने कंटेनर के अंदर, कंटेनर की आईडी ये है, ठीक है ना, बात आपको समझ आ रही है। अब ये देख लेते हैं कि इस इमेज से जो कंटेनर तो बन गया, लेकिन क्या इस कंटेनर के अंदर वो सारी चीजें आ गई जो हमने वहां पे बनाई थी, एक फाइल बनाई थी हमने, तो उसे देखने के लिए क्या करते हैं, आप यहाँ पे पहले एलएस करो, तो हमें यहाँ पे नजर आएगा टेम्प जी, नजर आ रहा है टीएमपी टेम्प। अब इसके अंदर जाना है तो सीडी स्पेस टीएमपी फॉरवर्ड स्लैश एंटर कर दो। अब मैं टेम्प के अंदर आ गया। अब टेम्प के अंदर आने के बाद आपने क्या करना है, आप फिर एलएस करो, एलएस मतलब लिस्ट, और ये देखें भूपी फाइल आपको नजर आ रही है, यानी जो कुछ भी आपका वहां पड़ा था उससे जो इमेज बनी थी, तो दोबारा कंटेनर बनाने पे वो सारी चीजें हमें नजर आ जाती है, ये बात समझ आ गई। तो यहां तक का काम आपका हो चुका है, एग्जिट करके बाहर आ जाते हैं,
और चलते हैं बोर्ड की तरफ, आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं और फिर लैब कराता हूँ। अब जो तीसरा तरीका है इमेज को बिल्ड करने का, जरा वो देख लेते हैं कि इमेज बनाने का तीसरा तरीका क्या है। यहां पे मैंने लिख दिया डॉकर फाइल, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, ठीक है। और उसके बाद अब जरा हम देखते हैं कि डॉकर फाइल कैसे क्रिएट होती है और उसके कंपोनेंट्स कह लें या कमांड्स कह लें जो इसको बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम जो सवाल बनते हैं या इंटरव्यू में आपसे पूछे जाएंगे, तो आप ये माने इनमें से एक दो कमांड आपसे गारंटेड पूछी जाएंगी। बेहद आसान है, नाम से ही क्लियर हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है कंफ्यूजन वाली बात है। लेकिन सारी कमांड्स आपको दिमाग में सेट होनी चाहिए, कहीं ना कहीं आप इसका यूज करके देख लें। कुछ का यूज मैं भी आपको करके दिखाऊंगा, कुछ आप बाद में खुद से भी कर सकते हैं, या जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको कहीं ना कहीं वो नजर आ जाएंगी, ठीक है। नेट पे बहुत सारे आपको डॉकर फाइल्स क्रिएट मिल जाएंगी पहले से, जिन्हें आप डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं कॉपी पेस्ट करके अपने AWS की EC2 इंस्टांस पे जहां आपने डॉकर इंस्टॉल किया हुआ है। तो बहुत सारी कमांड्स मिलेंगी, आप उन्हें रन करिए, चलाइए, आपका कंटेनर क्रिएट हो जाएगा विद दैट ऑल यू नो फाइल्स। तो डॉकर फाइल होता क्या है? डॉकर फाइल इज बेसिकली अ टेक्स्ट फाइल, एक टेक्स्ट फाइल है बड़ी सिंपल सी, जिसमें हम सारा कंटेंट लिख देते हैं, हमारा जो जो काम हमें करना है वो हम उस डॉकर फाइल के अंदर लिख देते हैं। इट कंटेन्स सम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये कुछ बातें बताता है कि आपने इमेज जो बिल्ड करनी है वो कैसे करनी है, क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपने कंटेनर के अंदर रखना है, कौन कौन सी फाइलें इंस्टॉल करनी है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करनी है, वो सारी बुनियादी बातें आप डॉकर फाइल के अंदर लिख सकते हैं और इससे अपनी इमेज क्रिएट कर सकते हैं। और ये बेस्ट तरीका है, रियल टाइम एनवायरमेंट में जनरली इसी को प्रेफर किया जाता है। तो डॉकर फाइल आप समझ गए डॉकर फाइल क्या होती है। ये एक और तरीका है ऑटोमेशन करने का, किस चीज का? डॉकर इमेज क्रिएशन का, कि आपने अगर कोई इमेज बनानी है, आपके पास डॉकर फाइल पड़ी है, उससे आप बिल्ड करके एकदम से इमेज बना सकते हैं। दूसरी बात, इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। डॉकर फाइल के अंदर आपने एक बार इमेज बना ली तो ऐसा नहीं है आप डॉकर फाइल चेंज नहीं कर सकते। एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने डॉकर फाइल जो लिखना है उसमें डी कैपिटल होना चाहिए, बाकी सब कुछ स्मॉल, ये डिफॉल्ट है। आपने डॉकर फाइल के नाम से ही बनाना पड़ेगा, डॉकर फाइल ही लिखना पड़ेगा आपको। जब आप बनाएंगे डॉकर फाइल का नाम डॉकर फाइल ही होगा और वहां पे डी कैपिटल होगा, ठीक है। इस फाइल में आप मल्टीपल टाइम चेंज कर सकते हैं और हर बार एक नई इमेज क्रिएट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक फाइल से एक इमेज बन गई। आप सपोज करें आपने एक डॉकर फाइल बनाई, इसमें आपने चेंजेस करे, कुछ भी लिखा आपने, सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे, उसके बाद इससे आपने एक इमेज क्रिएट कर ली, ठीक है। अब ये इमेज क्रिएट हो गई, इमेज वन क्रिएट हो गई, अब आप इसमें कुछ चेंजेस कर दें, एक्स वाई जेड आपने कुछ चेंजेस कर दिए, तो इस इमेज पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इमेज बन चुकी है, इसका इससे कोई लेना देना अब नहीं है। ये जस्ट एक तरीका है बनाने का। अब इसने ये इमेज बना दी, अब आपने इसमें कोड चेंज कर दिया, अब आप दोबारा इससे एक इमेज बनाए, अब आपकी इमेज टू बन जाएगी नए कोड्स के साथ, जो नए इंस्ट्रक्शन है उसके साथ। उसके बाद अब आपने दोबारा कोई बनानी है, क्योंकि इसकी इमेज बनने के बाद इसका इमेज के साथ कोई रिलेशन, कोई नाता नहीं रह जाता है। तो फ्यूचर में आप फिर यहां पे कुछ नई इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और फिर इस डॉकर फाइल से एक और नई इमेज क्रिएट कर सकते हैं। तो आप सेम नाम से ही डॉकर फाइल रखेंगे, उसमें मल्टीपल टाइम चेंजेस कर करके जब चाहे जैसी इमेज चाहे आप बना सकते हैं। तो आपने डी कैपिटल रखना है। दूसरी बात, इंटरव्यू में भी ये चीज नोटिस की जाती है, जब आप डॉकर फाइल बनाएंगे और उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे तो याद रखिएगा ये इंस्ट्रक्शंस ही होती हैं जो हमें देनी है, यही इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं डॉकर फाइल में, ये कैपिटल लेटर में होनी चाहिए। गलती से भी स्मॉल लेटर का इस्तेमाल ना करें, ये कैपिटल लेटर में ही आपको लिखना है। मेक श्योर, जो छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सब कैपिटल लेटर्स में ही आपका होना चाहिए। किस कमांड का क्या मतलब है ये हम वन बाय वन अब देख लेते हैं। जैसे कि पहली कमांड फ्रॉम कमांड है, आप जब भी डॉकर फाइल बनाएंगे आप फ्रॉम से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम आपको सबसे ऊपर रखना है। ये क्या बताता है? ये बेस इमेज को बताता है, ठीक है। ये आपकी बेस इमेज के लिए होता है कि भैया मैं अपनी बेस इमेज बना रहा हूं और इसमें मैं अब ये काम करने वाला हूं, तो आप हमेशा फ्रॉम से स्टार्ट करेंगे। वो बेस इमेज क्या होगी वो मैं बताऊंगा उसे कि भैया आपने उबंटू बनाना है या आपने कुछ और बनाना है। मेरी बेस इमेज क्या होगी? मैं उबंटू लगाना चाहता हूं कंटेनर में, मैं जो बना रहा हूं जो डॉकर फाइल से जो कंटेनर या इमेज क्रिएट करूंगा, उस इमेज से जो मैं कंटेनर क्रिएट करूंगा वहां पे कौन सा ओएस चलना चाहिए? उबंटू चलना चाहिए, सेंट ओएस चलना चाहिए, तो वो मैं यहां फ्रॉम से डिफाइन कर दूंगा।
फ्रॉम लिखने के बाद ये आप यहां पे मैंने लिखा भी हुआ दिस कमांड मस्ट बी ऑन टॉप ऑफ द डॉकर फाइल। तो डॉकर फाइल की पहली कमांड फ्रॉम ही होती है। तो इंटरव्यू में जब भी कोई डॉकर फाइल लिखने के लिए कहे एक कमांड तो आंख बंद करके लिख देना फ्रॉम वाली, फ्रंट में ही पहली लाइन ही फ्रॉम लिख देना और उसमें कैपिटल में लिखना, ठीक है। गलती से भी स्मॉल मत कर देना, तभी आउट हो जाओगे, ठीक है। फिर ना कहना कि यार भूपिंदर सर कुछ नहीं पढ़ाते, ठीक है, चले अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी कमांड क्या है, रन। टू एग्जीक्यूट कमांड्स इट विल क्रिएट अ लेयर इन इमेज। देखें, रन कमांड किस लिए यूज होती है, आपके जो आप इंस्ट्रक्शंस देने वाले हैं उन सबको रन कराने के लिए, ठीक है। तो आप जो कुछ भी लिख रहे हैं, जो कुछ भी करने वाले हैं, उन सबको रन कराने के लिए हमें ये कमांड पहले चलानी पड़ती है, रन कमांड, ठीक है। और इट विल क्रिएट अ लेयर इन इमेज। इससे एक चीज आप याद रखिएगा, कई इंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं जो लेयर्स क्रिएट करती है। मैंने आपको बताया था कंटेनर का जो आर्किटेक्चर है वो लेयर्ड फॉर्म में होता है, हर चीज एक लेयर की फॉर्म में होती है। बट जितनी ज्यादा लेयर्स क्रिएट होती जाती है उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट होती जाती है, राइट। बट यस, रन कमांड होती है कि हमारी जो बाकी कमांड्स हैं उन्हें रन कराने के लिए, मतलब पूरा जो हम डॉकर फाइल लिख रहे हैं उसमें जो कुछ भी हम करने वाले हैं उसे रन कराने के लिए। आप ऐसा समझे कि हमने नीचे जो कुछ लिखा है ये रन हो जाए ताकि हमारी इमेज बन सके, तो हमने रन कमांड का इस्तेमाल करना है। मेंटेनर कौन होता है भैया, जो कंटेनर बना रहा है, जो इमेज बना रहा है, जो जिसने डॉकर फाइल लिखी है वो अपना नाम भी दे सकता है, सो दैट कल को रियल टाइम एनवायरनमेंट में हमें ये पता करना पड़े कि यार ये डॉकर फाइल किसने बनाई थी, तो उस बंदे का नाम वहां पे लिखा होगा, वो अपना नाम दे सकता है। तो ऑथर या वो डिस्क्रिप्शन दे सकता है कि मैं फलाना डिपार्टमेंट से ये बंदा हूं और मैंने ये डॉकर फाइल क्रिएट करी है। तो मेंटेनर से हम एक इंफॉर्मेशन, छोटी सी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं उस डॉकर फाइल के बारे में, ये किसने बनाई है, कब बनाई थी, वो चीजें हम मेंटेनर में लिख सकते हैं। कॉपी और ऐड, ये दोनों एक जैसी लगती हैं कमांड, कॉपी और ऐड, लेकिन इनमें डिफरेंस है। कॉपी कमांड से आप लोकल मशीन से कुछ भी कॉपी कर सकते हैं, यानी जो आपकी लोकल मशीन में पड़ा हुआ है, आपके सपोज आपने अपनी जो डॉकर डायमंड है उसके पास जो कुछ पड़ा हुआ है वहां से कुछ कॉपी करना है, वहां पे कोई एग्जिस्टिंग इमेजेस पड़ी हैं वहां से कुछ कॉपी करना है, दैट यू कैन डू, राइट। तो वो आप कर सकते हैं, कॉपी फाइल फ्रॉम लोकल सिस्टम, आप डॉकर वीएम से अपना जो भी कुछ बेस मशीन से जो कुछ कॉपी करना है वो आप कर सकते हैं। यहां पे आप आपको सोर्स एंड डेस्टिनेशन प्रोवाइड कराना पड़ेगा, बट यहां पे आप उसे डाउनलोड नहीं कर सकते। आप कॉपी फाइल सिर्फ लोकल मशीन से डेटा उठाने के लिए होती है, इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड आप इस कमांड के थ्रू नहीं कर सकते। अगर इंटरनेट से कुछ भी आपको डाउनलोड करना है, कुछ भी ऐसी चीज है जो इंटरनेट से डाउनलोड करके लानी है, तो आपने ऐड कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐड कमांड इस्तेमाल होती है इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड करके लाने के लिए। इसके साथ साथ ऐड कमांड एक काम और करता है कि आपका कोई फाइल जब आप इंटरनेट से लाते हैं तो जनरली वो क्या होती है, वो विनजिप फोल्डर में होती है, यानी एक फोल्डर बना हुआ होता है उसका, क्या बोलते हैं उसको आप, मेरे दिमाग से वो टर्म निकल रही है, एक साथ कई सारी फाइलें फोल्डर नहीं होते, हम विनजिप कर देते हैं, जिप कर देते हैं, जिप फाइल बना देते हैं। तो ऐड जो हमारी कमांड होती है ये क्या करेगा, ये इंटरनेट से डाउनलोड करके लाएगा और उसको एक्सट्रैक्ट भी करेगा, उसको एक्सट्रैक्ट भी करेगा। यानी अगर वहां पे आपने सपोज एबीसी फाइल लेके आए .tar.gz, ये आपका लगा हुआ है .tar.gz, इसका मतलब क्या था, लिनक्स में पढ़ाया था मैंने, अगर याद नहीं आ रहा है तो उन पिछले लेक्चर्स पे जाइए जहां आपने नोट्स बनाए हैं और देखिए .tar.gz क्या होता था। हम क्या करते थे, उसको जिप कर देते, एक जिप फाइल बना के भेजते थे। तो डाउनलोड आप जब भी करते हैं जिप फाइल आती है, तो उसको ये एक्सट्रैक्ट भी करेगा। यानी जब आप इस कमांड को रन करा के डॉकर फाइल के थ्रू इमेज बनाएंगे और उससे कंटेनर क्रिएट करेंगे, तो अपने आप ये हट जाएगा, सिर्फ फाइल रह जाएगी, क्योंकि वो उसको क्या करेगा, अनजिप कर देगा, जिप फाइल को अनजिप कर देगा। तो ऐड कमांड इंटरनेट से उठा के लाता है, उसको अनजिप करता है और जो फाइल्स है उन्हें निकाल लेता है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो जिसके लिए हम इस कमांड का इस्तेमाल करते हैं, यानी इंटरनेट से कुछ भी लाना है ऐड कमांड के थ्रू आप ला सकते हैं। एक्सपोज, नाम से क्लियर है कि कोई पोर्ट जो है हमारे, पोर्ट नंबर होते हैं, पोर्ट नंबर 80 होता है, 443 होता है ना, 8080 हमारे पास होता है पोर्ट नंबर। तो ये सारे पोर्ट नंबर अगर आप ओपन करना चाहते हैं उस कंटेनर में, लॉजिकल पोर्ट्स होते हैं जिसके थ्रू कोई डेटा आता है या जाता है, जैसे अगर आप किसी को मेल भेज रहे हैं तो SMTP पोर्ट जो होते हैं हमारे वो इनेबल होना चाहिए, POP3 हमारा इनेबल होना चाहिए। तो ये सारी बातें जो है ये आप एक्सपोज में लिख सकते हैं कि भैया इस सर्वर के लिए मैं जो बना रहा हूं या टॉमकैट मैं बना रहा हूं इसके लिए मुझे 8080 ओपन चाहिए। तो आप एक्सपोज में उन पोर्ट नंबर को डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो सारे पोर्ट इनेबल हो जाएंगे।
वर्क डीआईआर, वर्क डीआईआर यानी कि वर्किंग डायरेक्टरी। मैं जब कोई कंटेनर क्रिएट करूं तो मुझे कहां पे काम करना है, मेरा वो कंटेनर बनते ही किस डायरेक्टरी में मैं नजर आऊं। वर्क डायरेक्टरी का मतलब है जहां आप काम करना चाहते हैं, जहां पे आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप अपनी वर्क डायरेक्टरी सेट कर सकते हैं कि भैया मैं जैसे ही मेरा कंटेनर बने मैं सीधा टैंप में नजर आऊं या मैं सीधा यूएसआर में नजर आऊं, जो भी डायरेक्टरी आपके पास अवेलेबल है उसमें मुझे आप पहुंचा दो, मैंने जो भी काम करना है फ्यूचर में मैं वहां करना चाहता हूं। तो उसके लिए आप अपनी वर्क डायरेक्टरी सेट कर सकते हैं, टू सेट वर्किंग डायरेक्टरी फॉर अ कंटेनर, तो आप सीधा वहीं पहुंच जाएंगे। अगर आप वर्क डायरेक्टरी सेट कर देंगे तो कंटेनर बनने के बाद सीधा आप उसी डायरेक्टरी में पहुंच जाएंगे। CMD execute command but during container creation, जब container बन रहा होता है उस time ये command execute होती हैं जो CMD से लिखी होंगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बाद में execute करनी है हमें, image बनने के बाद, ठीक है। तो जब हमारा कंटेनर बनेगा हम चाहते हैं ये तब एग्जीक्यूट हो, तो वो आप सीएमडी के थ्रू दे सकते हैं। इसी तरीके से एक और कमांड होती है एंट्री पॉइंट। सीएमडी और एंट्री पॉइंट में ये फर्क है कि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। अगर आपको दो काम कराने हैं पर आप चाहते हैं ये पहले हो और ये बाद में हो, तो आप एंट्री पॉइंट से डिफाइन कर सकते हैं। या 10 कमांड है उसमें आप चाहते हैं कि ये वाला काम जो है ये पहले हो बाकी काम बाद में हो, तो आप एंट्री पॉइंट से सेट कर सकते हैं, ये पहले एग्जीक्यूट होगा इन कंपैरिजन टू सीएमडी। दोनों सेम है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, ये पहले होगा ये बाद में होगा। सिमिलर टू सीएमडी बट हैज हायर प्रायोरिटी ओवर सीएमडी। फर्स्ट कमांड विल बी एग्जीक्यूटेड बाय एंट्री पॉइंट ओनली। तो सबसे पहले कौन सी कमांड एग्जीक्यूट होगी, एंट्री पॉइंट वाली। फिर ईएनवी कुछ नहीं होता, ये एक वेरिएबल्स होते हैं। अगर आप सपोज करें आपने लिखा माय नेम भूपिंदर, तो जहां जहां आपके सपोज मैंने लिखा माय नेम भूपिंदर, तो जहां जहां फ्यूचर में आपका माय नेम होगा वो रिप्लेस हो जाएगा भूपिंदर के साथ। तो यानी की और वैल्यू, जैसे शेफ में था ना की और वैल्यू होती थी हमारी, कि भाई जहां जहां माय नेम नजर आए, जहां जहां प्राइम मिनिस्टर नजर आए वहां पे क्या आ जाए, नरेंद्र मोदी आ जाए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए कोई और बन गया तो फिर क्या होना चाहिए, फ्यूचर वो जो प्राइम मिनिस्टर वाला है हमने सिर्फ एक जगह चेंज करना है, प्राइम मिनिस्टर इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो क्या होगा, जहां जहां नरेंद्र मोदी था वो रिप्लेस हो जाएगा एक्स वाई जेड के साथ। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आप कर सकते हैं। इवन इसके अलावा एक और कमांड होती है, दैट इज एआरजी, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट होता है आर्ग्यूमेंट। तो ये आपका होमवर्क है, आप कमांड बॉक्स में, सॉरी कमांड में कह रहा हूं, चैट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि आर्ग्यूमेंट कमांड क्यों इस्तेमाल होती है। अब ये आपने खुद गूगल करना है, सर्च करना है, आपको इजीली मिल जाएगा। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा कि एआरजी कमांड आर्ग्यूमेंट कब देते हैं, क्यों जरूरी होता है, ये आप मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में कि ये क्या होता है, ठीक है। तो आई होप ये कमांड्स आपको समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कहीं कोई कमी रह गई है तो नो नीड टू वरी, जब मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा आपको सब समझ आ जाएगा। कुछ कमांड्स ऐसी भी हैं जो शायद मैं अभी यूज ना करूं, फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ेगी तो जरूर यूज करूंगा, बट आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हर किसी को आपको एग्जीक्यूट करा के देखना है फिलहाल, या क्योंकि लर्निंग लेवल पे, बेसिक लेवल पे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको काम पता है तो आप उसे यूज करना जानते हैं, या आप इंटरनेट से उठाएंगे तो आपको पता है कि यार ईएनवी का मतलब क्या है, एंट्री पॉइंट का मतलब क्या है। नहीं पता है तो कॉपी निकालेंगे, मेरे नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको वो लैब का पार्ट दिखा देता हूं जो अब हम इसके बाद इसके थ्रू करने वाले हैं। तो बड़ा आसान तरीका है भैया, डॉकर फाइल से जो है हमारे को जो क्रिएट करनी है हमारी इमेज और फिर जो कंटेनर बनाना है, बड़े इजी स्टेप्स है। देखिए पहले स्टेप में आपने क्या करना है, एक डॉकर फाइल बनानी है, डॉकर फाइल के ही नाम से एक साथ लिखना है डॉकर और फाइल, और ये जो डी है ये कैपिटल ही होना चाहिए, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं। उसके बाद आप उस फाइल के अंदर अपने इंस्ट्रक्शंस लिख दें, जो जो काम आप करवाना चाहते हैं उस फाइल के अंदर वो सारे इंस्ट्रक्शंस आप लिख देंगे। उसके बाद तीसरे स्टेप में आप उस फाइल से इमेज क्रिएट करेंगे, ठीक है, और इमेज क्रिएट करने के बाद उस इमेज से आप कंटेनर क्रिएट करेंगे। बड़ा सिंपल सा सिनेरियो है, पहले आपने एक फाइल बनाई डॉकर फाइल के नाम से, इसके अंदर आपने इंस्ट्रक्शंस लिख दी कि भैया मेरे को कंटेनर ऐसा ऐसा चाहिए, ये चीजें चाहिए कंटेनर के अंदर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए फलाना ढिमाका। उसके बाद आपने इस डॉकर फाइल से क्रिएट करी इमेज, और उसके बाद उस इमेज से आपने क्रिएट किया कंटेनर। फ्यूचर में आप इस कंटेनर में क्रिएट होने के बाद अब इस फाइल का इस इमेज से कोई लेना देना नहीं है। ये फाइल तो वो जगह है जहां आप अपना काम करते हैं, जैसे कि अगर हम शेफ के अंदर कहें तो शेफ के अंदर हम कहां पे काम करते थे, आप बताएं हम कहां पे काम करते थे, बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
तो ऐसे ही यहां पे ये वो डॉकर फाइल है जहां हम बार बार नया नया इंस्ट्रक्शंस लिख के नई नई इमेज क्रिएट कर सकते हैं। ये इमेज तो क्रिएट हो गई, तो आप इस कोड को रखे रहने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसे बदल दें। इसे बदलने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आप इस पर कोई नई इंस्ट्रक्शंस दे दें और नई इंस्ट्रक्शंस देने के बाद उससे आप एक नई इमेज क्रिएट कर लें। तो आपने हमेशा डॉकर फाइल ही रखना, उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस चेंज कर करके आप कितनी भी इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग टाइप्स, और वो इमेजेस तो सेव है ना। आपको फ्यूचर में वो इमेज चाहिए होगी तो आप उससे कंटेनर क्रिएट कर लो, कोई मसला नहीं है। तो अब यही चीजें यहां पे हैं। तो अब ये चार स्टेप हैं, बड़े बेसिक स्टेप हैं। कोई आपसे इंटरव्यू में पूछा तो चार आप बता देना, उसको समझ आ जाएगा कि बंदे को अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, एक माइंड में पिक्चर क्लियर है कि भाई कैसे काम होता है। देखिए, सबसे पहले डॉकर फाइल बनानी है तो आप वीआई के नाम से बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वीआई क्या होता है, एडिटर होता है, लिनक्स में बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है, इसीलिए लिनक्स इंपॉर्टेंट है और सबसे पहले पढ़ाई जाती है। तो वीआई डॉकर फाइल, यानी आप पहले आप एक फाइल क्रिएट करना चाहते हैं डॉकर फाइल के नाम से और उसमें हम कुछ लिखना चाहते हैं, तो जैसे ही वीआई डॉकर फाइल करोगे क्या होगा, आपके पास एक खाली जगह आ जाएगी, याद है जहां पे आप आई प्रेस करते थे, फिर आप यहां कुछ लिख पाते थे, फिर आप कॉलन डब्ल्यू क्यू करके एग्जिट कर देते थे, याद है ना सब कुछ। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, मुझे ना डाउट होता है, मैं 10-15 दिन बाद लेक्चर के क्या आया, मुझे तो ऐसा लग रहा है सारे ब्लैंक बैठे हैं बस, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, रिवाइज कर लिया करो, ठीक है। तो मसलों में नहीं पढ़ना, और अभी तो आईपीएल आ गया है तो मुझे वही ऐसा लग रहा है बस, अभी तो सट्टेबाजी कर रहे होगे आप लोग, पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, ठीक है, चले अच्छी बात है। तो डॉकर फाइल बना लिया, उसके बाद अब ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमें डॉकर फाइल के अंदर लिखनी है, यानी इसके अंदर हमें ये इंस्ट्रक्शंस लिखनी है। दो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं बड़ी छोटी सी, कि फ्रॉम उबंटू, यानी कि भैया उबंटू बनाना चाहते हैं, कंटेनर पे कौन सा ओएस चलाना चाहते हैं, उबंटू। कोई वर्जन आप इसका डिसाइडेड है तो वो वर्जन भी आप लिख सकते हैं, कोई भी एक्स वाई जेड वर्जन आप इसका लिख सकते हैं, कॉलन लगा के उसका वर्जन लिख दें, वो वर्जन उसका इंस्टॉल हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है, ये सब चीजें आपको एक्सपीरियंस के साथ आ जाएंगी। तो आपने फ्रॉम उबंटू लिखना है कि भैया पहले मेरे को सबसे पहले तो बेस इमेज चाहिए, बेस मतलब मेरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो सबसे पहले कमांड क्या आएगी, फ्रॉम आएगी, और कैपिटल में लिखनी है, बार बार बोल रहा हूं, कैपिटल में आपको उबंटू लिखना है, सॉरी फ्रॉम लिखना है, उबंटू स्मॉल में लिखना है, जो इंस्ट्रक्शन होती है वो कैपिटल में आती है, जो अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाई है। तो फ्रॉम, रन, ये सब कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना है। तो फ्रॉम उबंटू, उसके बाद रन, भैया ये रन करा दो, क्या रन करा दो, एक इको कमांड, भाई आप टेक्निकल गुफ्तगु, जैसे ही आप मैं टैंप के अंदर, आप ना एक काम करो, टैंप के अंदर आप एक फाइल क्रिएट कर दो टेस्ट फाइल के नाम से, और उसके अंदर आप ये लिख दो टेक्निकल गुफ्तगु, तो जैसे ही मैं सर्च करूं मुझे नजर आ जाए और मुझे दिख जाए कि हाँ मैंने जो भी डेटा डाला था एक्स वाई जेड वो मुझे नजर आ रहा है मेरे कंटेनर में जो मैंने डॉकर फाइल में लिखा था, तो उसको टेस्ट करने के लिए हमने एक कमांड चला दी है रन करके और इको किया टेक्निकल गुफ्तगु। तो ये जैसे ही हम यहां पे जाएंगे टेस्ट फाइल के अंदर ये क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, तो ये हमने यहां पे कर दिया। उसके बाद अब ये काम तो आपने कर दिया, डॉकर फाइल में इंस्ट्रक्शंस लिख दिए, दूसरा स्टेप क्या है, अब पहला और दूसरा स्टेप कर दिया आपने, डॉकर फाइल बना ली, ये पहला स्टेप हो गया, उसके बाद आपने उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिख दी, ये दूसरा स्टेप हो गया, उसके बाद बिल्ड डॉकर फाइल टू क्रिएट इमेज, अब इस डॉकर फाइल से इमेज बनानी है, उसकी कमांड क्या है, टू क्रिएट इमेज आउट ऑफ डॉकर फाइल, अब उससे इमेज आपको बनानी है, सिंपल कमांड है, बिल्ड आपको चलाना है, डॉकर बिल्ड। ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा भैया डॉकर फाइल चलानी है कौन सी कमांड होती है डॉकर फाइल से डॉकर इमेज बनाने की, तो कमांड होती है डॉकर बिल्ड, डॉकर बिल्ड हाइफन टी, टी का मतलब टैग, यानी आप नाम देना चाहते हो अपनी इमेज को, जो भी आप इमेज बना रहे हो उसको नाम देना चाहते हो, तो मैंने कहा जी उस इमेज को नाम दे दो माई इमेज, माई आई एम जी, और ये डॉट जरूर लगा देना भाई, ये छोटी जरूर है लेकिन काम की बहुत है, डॉट का मतलब है करंट डायरेक्टरी, यानी अभी मैं कहां हूं, करंट मेरा जो पोजीशन है, करंट डायरेक्टरी है वो मेरी क्या है, मैं भैया डॉकर फाइल पे काम कर रहा था, आपने जो कुछ भी बिल्ड करना है वो डॉकर फाइल में करना है, क्योंकि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अभी डॉकर फाइल में कर रहा हूं, तो आपने वो करना है, मेरा डॉकर बिल्ड करना है, माई इमेज बिल्ड करनी है कहां से, डॉकर फाइल से, तो उसके लिए आपने डॉट लगा देना है, ठीक है। फिर आप देखना चाहते हैं डॉकर पीएस हाइफन ए कमांड किस लिए होती है, आपको बहुत अच्छे से पता है, डॉकर इमेजेस कमांड किस लिए होती है, आपको बहुत अच्छे से पता है, नहीं पता है पिछला लेक्चर देखे, बार बार रिपीट नहीं करूंगा मैं, फिर आप मुझे गालियां देते हो सर आप रिपीट ही करते रहते हो, ठीक है। तो नाउ क्रिएट कंटेनर फ्रॉम द अबव इमेज, ठीक है, अब तीन स्टेप हो गए, चौथा स्टेप क्या है, इमेज से कंटेनर बनाना है, उसके लिए वही सिंपल हमारी घिसी पिटी कमांड डॉकर रन हाइफन आईटी, उसके बाद कंटेनर का जो नाम देना है वो यहां पे डाल दो, और जिस इमेज से वो कंटेनर बना रहे हो उसका नाम यहां डाल दो, तो मैंने माई आई एम जी इमेज बनाई थी यही मैंने यहां पे डाल दी, और बिन और बैच तो सदाबहार है हमारे जे आर वीरू की तरह, तो ये आपने यहां लगा देना है फॉरवर्ड स्लैश बिन फॉरवर्ड स्लैश बैच, काम आपका चल जाएगा, आपका डॉकर कंटेनर रन हो गया,
और अब आप जाके जरा ये देखें कि टेस्ट फाइल में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने टैंप टेस्ट फाइल में क्या लिखा था, मैंने लिखा था टेक्निकल गुफ्तगू, तो ये मुझे नजर आना चाहिए। तो मैंने कहने का मतलब ये हमने क्यों डाला है इसमें कि डॉकर फाइल में जो भी कमांड लिखी है वो चली नहीं चली, वो सारी एग्जीक्यूट हुई कंटेनर के अंदर, नजर आ रही है कि नहीं आ रही है, ये हम देखने के लिए एक सैंपल हमने यहाँ पे फाइल डाल दी है। तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब लैब पे चलते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं करके। ठीक है जी, बोर्ड पे कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। अब हम एक काम करते हैं, जो मैंने बोर्ड पे आपको समझाया वो यहाँ करके देख लेते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले डॉकर फाइल बनानी है ना। तो डॉकर फाइल आप बनाएं, बिल्कुल स्पेलिंग सही लिखनी है, डी कैपिटल होना चाहिए, और उसके बाद आप एंटर करें। ये देखें, एंटर करते कुछ ऐसा खुलेगा, आप कीबोर्ड का आई प्रेस करें तो देखें ये इंसर्ट आ गया, यानी अब आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो पहली कमांड आपने क्या लिखनी है, फ्रॉम, और ये कैपिटल में लिखना है आपको, फ्रॉम कैपिटल में लिखना है, उसके बाद आप सब कुछ स्मॉल में लिखें, इस उबंटू। ठीक है, तो हम कहते हैं जी आप उबंटू पहले एक इंस्टॉल करो इस पे, फिर एंटर करें, आप नीचे आ जाएं। अब मैं कहता हूं जी आप रन कराओ, ये भी कैपिटल में लिखना है आपको, रन, ये रन कैसे हो गया, आर यू एन स्पेस, और उसके बाद आपने इको लिखना है, फिर आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखें सब्सक्राइब टेक्निकल गुफ्तगु, और उसके बाद आप इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दें, उसके बाद एक ये साइन लगाएं, उसके बाद स्पेस दें फॉरवर्ड स्लैश टीएमपी फॉरवर्ड स्लैश टेस्ट फाइल। मैंने एक फाइल के अंदर इसको सेव कर लिया है टीएमपी डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, तो मैंने अब ये दो सिर्फ बड़ी बेसिक सी मैंने कमांड लिखी है, और मैं अब एस्केप बटन दबाता हूँ कीबोर्ड का और कॉलन डब्ल्यू क्यू करके बाहर आ जाता हूँ। बाहर आ गया। अब बाहर आने के बाद जी मेरी फाइल तो बन चुकी है, अब मैं क्या करता हूं, इस डॉकर फाइल से इमेज बनानी है। तो कैसे बनेगी, बिल्ड कमांड चलानी है, आपको पता है डॉकर बिल्ड हाइफन टी होता है टैग देने के लिए, यानी जो भी मैं नाम देना चाहता हूं अपनी इमेज को, और मैं जी इसको नाम देता हूं सपोज करें आप फाइल, ठीक है, टेस्ट दे दिया, और उसके बाद स्पेस देके डॉट लगा दें एक छोटा सा। ठीक है, तो ये डॉट लगा दिया, ये आपको पता है क्यों लगाया मैंने, करंट डायरेक्टरी है ये। ठीक है, क्योंकि जो कुछ भी कर रहे हैं तो वो जो होगा ना वो डॉकर फाइल से, ये जो डॉकर फाइल है इससे हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ डॉट लगाया कि जो कुछ भी इसके अंदर लिखा है डॉकर फाइल के अंदर वो आप इमेज में बिल्ड कर दो। ठीक है, अब आप एंटर करें, तो ये देखें जी इसने दो काम किए हैं, स्टेप वन में इसने उबंटू उठा के लाया गरीब आदमी, और स्टेप टू में इसने सब्सक्राइब टेक्निकल गुफ्तगु लिख दिया है जी टैंप डायरेक्टरी के अंदर टेस्ट फाइल के अंदर। ठीक है, तो ये दो काम इसने कर दिए, सक्सेसफुली बिल्ट आ गया, सक्सेसफुली टैग आ गया, टैग क्या है टेस्ट है। ठीक है, तो ये सारे काम इसने कर दिए, बड़ा अच्छा आदमी है, दो मिनट के अंदर कर दिए। अब आगे क्या करना है आपने, अब आपकी इमेज तो बन गई, इस इमेज से कंटेनर बनाना है, तो इसे पहले क्लियर कर लें आप कंट्रोल एल दबा के। अब मैंने यहां से कंटेनर बनाना है, तो कमांड होगी वही जेसीपीटी कमांड है हमारी, डॉकर रन हाइफन आईटी स्पेस हाइफन हाइफन नेम स्पेस, और अब मैं इसको नाम दे देता हूं टेस्ट कंटेनर फॉर एग्जाम्पल, और इमेज कौन सी है, टेस्ट इमेज है, और मैं कहता हूं जी जय वीरू भी लिख दो यहां पे बिन एन बैश, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, एंटर कर दें आप, तो जी मेरा कंटेनर बन चुका है, कंटेनर के अंदर हूं मैं फिलहाल। ठीक है, अब एक काम करते हैं एलएस करते हैं, तो ये सारी डायरेक्टरी नजर आ रही है, टैंप के अंदर चलते हैं, सी डी टी एम पी फॉरवर्ड स्लैश एंटर, लीजिए साहब टैंप के अंदर आ गया। अब यहां पे एलएस करते हैं, क्या नजर आ रहा है, टेस्ट फाइल नजर आ रही है, तो कैट टेस्ट फाइल कर लें, कैट टेस्ट फाइल क्या नजर आ रहा है इसके अंदर, सब्सक्राइब टेक्निकल गुफ्तगू, तो भाई कर लो यार इतनी मेहनत करिए, मतलब नहीं करोगे सब्सक्राइब, अच्छा किया हुआ है, चलें जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब आगे चलें, तो एक काम करते हैं इसको हम एग्जिट कर लेते हैं, बाहर आ गए। तो आपने सीख लिया कि जी डॉकर फाइल कैसे बनानी है, डॉकर फाइल से इमेज कैसे बनानी है, और इमेज से कंटेनर कैसे बनाना है, ये काम हो गया। अब आपको अगली फाइल बनाना सिखाता हूं, तो पहले बोर्ड पे उसको देख लेते हैं, उसके बाद यहां पे आते हैं।
अब जरा डॉकर फाइल में ये वाली इंस्ट्रक्शंस लिखकर देखते हैं और देखते हैं कि जब ये इंस्ट्रक्शंस हम एग्जीक्यूट कराएंगे, रन कराएंगे डॉकर फाइल के थ्रू, इमेज बिल्ड करेंगे और कंटेनर बनाएंगे, तो क्या ये सारी चीजें होंगी या नहीं होंगी। तो सबसे पहले वही करना है, आपने डॉकर फाइल में जाना है। मैंने आपको बताया कि वही पुरानी वाली फाइल रहेगी, तो आपको नाम बदलने की जरूरत नहीं है। अब की बार उसमें आप जो पहले लिखा हुआ है वो कंटेंट हटा के ये वाला कंटेंट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे वही फ्रॉम उबंटू, हम कहते हैं कि भैया उबंटू में ही करना है सारा काम, तो उबंटू पहले आप इंस्टॉल कर लो। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि सर ये उबंटू कहाँ से आएगा? जब फर्स्ट टाइम हम ये काम करेंगे तो हमारे सपोज मशीन में नहीं है उबंटू, तो कहाँ से आएगा? डॉकर हब से आएगा। फर्स्ट टाइम वो डॉकर हब से ही आएगा, उसमें कोई वो वाली बात नहीं है। जो चीजें अवेलेबल नहीं है बेस मशीन में, ये डॉकर हब से उठा लेगा, ठीक है। तो फ्रॉम उबंटू आपने किया, हम कहते हैं जी वर्क डायरेक्टरी क्या रखो? हमारी टेम्प रखो, टीएमपी, जो हमारी अवेलेबल होती है कंटेनर के अंदर। जैसे कंटेनर बने आप इधर पहुंच जाना। उसके बाद हम कहते हैं जी आप ये रन कराना हमारे इस टेस्ट फाइल के अंदर, हमें ये नजर आना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए टेस्ट फाइल के अंदर, ठीक है। अब वेरिएबल हमने यहां पे डिफाइन कर दिया, एनवायरमेंट वेरिएबल। मैं कहता हूं माय नेम भूपिंदर राजपूत, मैं जैसे ही इसे सर्च करूंगा ना डॉलर लगा के, ये सर्च करने के लिए आपको डॉलर लगाना पड़ता है, डॉलर माय नेम, तो ये आपको आउटपुट में क्या देगा? भूपिंदर राजपूत देगा, ठीक है। तो डॉकर के अंदर अगर आपने अपने वेरिएबल सर्च करने, आप डॉलर लगा के कर सकते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा, फिर कॉपी और ऐड की कमांड भी हमने यहाँ पे ऐड कर दी है। तो कॉपी में क्या है, हमने कहा जी टेस्ट फाइल वन आप कॉपी कर लो। कॉपी कहां से करना है? बेस इमेज से करना है, यानी जो मैं EC2 इंस्टांस चला रहा हूं AWS के ऊपर, जो लिनक्स मशीन चला रहा हूं, वहां पे ये टेस्ट फाइल होनी चाहिए, तभी ये कॉपी कर पाएगा, क्योंकि कॉपी कमांड लोकल मशीन से उठा के लाता है। अगर लोकल मशीन में कोई फाइल पहले से पड़ी है, उसे हम कॉपी कर सकते हैं और अपने इमेज में डाल सकते हैं। तो ये यहां पे टेस्ट फाइल वन अगर वहां अवेलेबल है लोकल मशीन में, तभी ये यहां पर आएगी, तो हमें पहले वहां क्रिएट करनी पड़ेगी, फिर ये अपने आप यहां पे उठा लेगा। ऐसे ही ऐड के थ्रू क्या करते हैं, या तो इंटरनेट से अगर आपने कुछ लेके आना है, या कोई फाइल अगर आपने उसे जिप किया हुआ है, एक जिप फाइल आपने बनाई हुई है, तो उस जिप फाइल को भी आप अनजिप कर सकते हैं इस कमांड के थ्रू। ये उसको खोल देगा, एक्सट्रैक्ट कर देगा, ठीक है, उसको अपने आप हटा देगा, .tar.gz हटा देगा। तो ये चीज मैं आपको भी करके दिखाऊंगा। तो हमने ये एक कमांड अपनी लिखनी है डॉकर फाइल के अंदर और इसको रन करा के देखना है। तो अब हम ये देख लेते हैं। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा बोर्ड पे। अब एक काम करते हैं, फटाफट से इसको क्लियर कर लेते हैं कंट्रोल एल करके, और अब दोबारा से अपना VI डॉकर फाइल में जाते हैं, डॉकर फाइल, और अब की बार उसके अंदर चेंजेस कर देते हैं। तो आई प्रेस करो और उसके बाद इन दोनों लाइनों को आप हटा दो। दोनों लाइनें मैंने हटा दी। अब मैं फ्रेश तरीके से कमांड लिख रहा हूं, फ्रॉम उबंटू एंटर, उसके बाद वर्क DIR स्पेस /TMP एंटर, उसके बाद एक और लिखे हैं रन, और रन में आपने क्या लिखना है, इको इन्वर्टेड कॉमा, इसमें लिखें लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, उसके बाद फॉर ये एक लगाएं ग्रेटर देन, उसके बाद इस फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ पे लिखें टैम्प, फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ पे लिखें टेस्ट फाइल। तो जी एक टेस्ट फाइल के अंदर आपने लाइक सब्सक्राइब माय चैनल कर दिया, एंटर करें, और ये बिल्कुल फ्रेश तरीके से हम डॉकर फाइल के अंदर अपनी इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं। अब मैं कहता हूँ जी आप ENV भी डिक्लेयर कर दो, माई नेम दैट इज भूपिंदर राजपूत, एंटर करें। उसके बाद आप कॉपी में क्या करना चाहते हैं, मैं कहता हूं जी लोकल मशीन से आप टेस्ट फाइल वन कॉपी कर लो और वो भी मेरी इमेज में डाल दो। तो यहां पे TMP, ये TMP से उठा के लानी है आपने, एंटर, उसके बाद फॉरवर्ड इस ये सॉरी ऐड स्पेस, और ये भी एक फाइल आप उठा लें, ऐड कर लें test.tar.gz, ठीक है, और स्पेस फॉरवर्ड स्लैश TMP। तो ये मैंने पूरा कोड लिख दिया आपके सामने, आपने भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है, परेशान नहीं होना। आपको एक एक चीज बताइए कैसे लिखा है मैंने, तो आप खुद से ही ट्राई करें। ये ना कहें कि सर डिस्क्रिप्शन में डाल दो ये कोड या ये इंस्ट्रक्शंस, और थोड़ा बहुत मेहनत करनी सीखें, ठीक है, इतने आलसी ना बने। चलिए अब मैं एस्केप करके इसे :WQ करता हूं, बाहर आ जाता हूं, मैं बाहर आ गया। अब एक काम करें आपकी, पहले कुछ फाइल बनानी पड़ेंगी क्योंकि मैंने इंस्ट्रक्शंस में ऐसा लिखा हुआ है। तो टच टेस्ट फाइल वन एक ये बना लेते हैं,
ठीक है, टच टेस्ट फाइल हमने वन बना ली और एंटर। अब यहाँ पे अगर मैं एलएस करके आपको दिखाऊं कितनी फाइलें मेरे पास है, डॉकर फाइल है, टेस्ट फाइल वन मेरे पास है। अब मैं कहता हूँ एक फाइल और बनाओ टच टेस्ट के नाम से, और ये भी बन गई मेरी। अब आप एलएस करें अगर दोबारा से, तो मैं आपको दिखाता हूँ तीन फाइलें नजर आ रही होंगी, ठीक है, तीन नजर आ रही हैं। अब आप एक काम करो, आप ना इस पर टार अप्लाई कर दो, ठीक है। टार क्या होता है ये आप अपने लिनक्स की उसमें जाएं और आप चेक करें, आपको नजर आ जाएगा हाइफन cvf और उसके बाद टेस्ट डॉट टार स्पेस टेस्ट। ये क्या होता है लिनक्स में बहुत अच्छे से बताया, इसलिए यहां नहीं बताऊंगा, यहां सिर्फ अप्लाई करूंगा। एंटर कर दिया मैंने, तो ये देखें मेरा अप्लाई हो गया है। इसके बाद अब मैं एलएस करके दिखाता हूं आपको, ये देखें टेस्ट डॉट टार फाइल नजर आ रही है, ठीक है। टेस्ट को ही हमने टेस्ट डॉट टार कर दिया। अब इसके बाद इसमें एक काम और करना है, अभी इस पे जी जिप भी अप्लाई करते हैं ताकि ये जिप फाइल बन जाए। टेस्ट डॉट टार पे जी जिप अप्लाई कर दिया हमने, एंटर, एलएस करके दिखाता हूं आपको, ये देखें टेस्ट डॉट टार डॉट जी जेड, ठीक है। तो ये एक जिप फाइल बन गई है, तो अब हमें इस टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये जिप की फॉर्म में आ गया। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि जब हम इसे ऐड करेंगे, हमने अपने इंस्ट्रक्शंस में इसे ऐड किया इस फाइल को, तो ये अपने आप अनजिप हो जाएगी और टेस्ट ही वहां पे नजर आएगा आपको, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, तो एक काम करें, अब इस टेस्ट की हमें कोई जरूरत नहीं है, तो इसे डिलीट कर देते हैं, rm हाइफन rm और टेस्ट, इसे डिलीट कर दें आप, ls करें, डिलीट हो गया होगा, ये देखें डिलीट हो चुका है। अब एक काम करें, आप एक इमेज बिल्ड करें अपनी डॉकर फाइल से, क्योंकि डॉकर फाइल हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, देखें यहाँ पे डॉकर फाइल के अंदर हम सब कुछ लिख चुके हैं। तो आपने एक इमेज बिल्ड करनी है, तो डॉकर बिल्ड और टैग दे दें एक हाइफन टी करके, और टैग को उसको नाम दे दें न्यू कौन दे दें आप, न्यू कौन नाम दे दें, न्यू कंटेनर, राइट, सॉरी इमेज है ये मेरी, तो इसको न्यू इमेज नाम दे दें, ठीक है। इसको मैंने न्यू इमेज नाम दे दिया, उसके बाद एक डॉट लगा दें, लगा दिया, एंटर करें, तो ये देखिए जी 6 के 6 स्टेप मेरे एग्जीक्यूट हो गए हैं। स्टेप 1 था उबंटू लेके आया, 2 था जी वर्किंग डायरेक्टरी में, टैम्प में गया और रिमूविंग इंटरमीडिएट कंटेनर, ठीक है। उसके बाद रन इको ये कमांड है, फिर स्टेप 4 में माई नेम भूपिंदर राजपूत, स्टेप 5 में कॉपी टेस्ट फाइल, स्टेप 6 में सारा कुछ सक्सेसफुली बिल्ड कर दिया, और जी इसने न्यू इमेज के नाम से एक इमेज बना दी। आप चेक करना चाहें तो डॉकर इमेजेस करके आप चेक कर सकते हैं, ये देखें न्यू इमेज के नाम से आपको एक नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने अब इससे क्या करना पड़ेगा, कंटेनर बनाना पड़ेगा, तो कंट्रोल एल करके बाहर आ जाए, क्लियर कर ले, मतलब अब आप कंटेनर बनाएं। कंटेनर की वही जीसीपीटी कमांड है, डॉकर रन हाइफन आईटी और हाइफन हाइफन नेम, और इस बार नेम क्या दे रहे हो आप, इसको आप इसको नेम दे दो न्यू कंटेनर, न्यू कंटेनर आप इसको नाम दे दो, और उसके बाद हमारी इमेज का नाम क्या था, न्यू इमेज, यही नाम था, लेट मी चेक गलत ना हो जाए, न्यू इमेज बिल्कुल सही है, यही नाम था। तो न्यू इमेज हमने नाम दिया था, तो भैया उससे आपको कंटेनर बनाना है, कंटेनर का नाम न्यू कंटेनर कर दो, फॉरवर्ड स्लैश बिन फॉरवर्ड स्लैश बैश, ये आपको लिखना ही है। आप इसके बाद एंटर करें, ये ले जी कंटेनर बन गया, और मैं डायरेक्टली कहां पे आ गया, टैंप में आ गया, ये देखे मैं, क्योंकि मैंने डॉकर फाइल में इस तरीके से लिखा हुआ था कि मेरी वर्क डायरेक्टरी कहां पे होनी चाहिए, टीएमपी होनी चाहिए, तो मैं डायरेक्टली टैंप के अंदर आ गया, ठीक है। अब मैं यहां पे एलएस करूं ना अगर, तो आप ये देखें टैंप के अंदर तीनों चीजें कॉपी होके आ गई, टेस्ट भी है, टेस्ट फाइल भी है, टेस्ट फाइल वन भी है, तीनों चीजें मुझे नजर आ रही है, ठीक है। तो टैंप से सब कुछ कॉपी होके आ गया, टेस्ट, टेस्ट फाइल, टेस्ट फाइल वन, तो यहां पे आपको कंटेनर के अंदर सारी चीजें नजर आ रही है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने अगर देखना है जी मेरा टेस्ट फाइल वन में क्या लिखा है, क्योंकि मैं टेस्ट फाइल वन में भी कुछ लिखा था, तो मैं कहता हूं जी टेस्ट फाइल वन के अंदर जाओ आप, तो मुझे कुछ नजर नहीं आया, तो मैंने फिर किस में लिखा था, मैंने शायद टेस्ट फाइल में लिखा था, कैट टेस्ट फाइल, जस्ट अ मिनट,
ये देखें लाइव सब्सक्राइब माय चैनल, तो देखें वो भी नजर आ गया, यानी जो कुछ लिखा था वो उस इमेज से उठ के कंटेनर में आ गया और कंटेनर में सारी चीजें नजर आ रही। कहने का मतलब अगर कोई सॉफ्टवेयर है आपके पास 100, 50, 200 जो आपने डाले हुए थे या डॉकर फाइल में लिखे हुए थे, सब कुछ आ जाएगा वो कंटेनर के अंदर, कंटेनर आपको परफेक्ट मिलेगा। अब अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जी मैंने जो वो लगाया था एक ENV करके लगाया था मैंने, तो वो कैसे देखते हैं, उसके लिए डॉलर साइन का इस्तेमाल करें आप, और उसके बाद मैंने ENV में माई नेम का इस्तेमाल किया था, तो आपको नजर आ जाएगी जो भी वैल्यू होगी। तो माई नेम में मैंने क्या लिखा था, भूपिंदर राजपूत, वो भी मुझे नजर आ रहा है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इमेज कैसे बनती है और इमेज से कंटेनर कैसे बनता है, डॉकर फाइल से इमेज कैसे बनती है और डिफ क्या होता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और बहुत जरूरी है, इसको बार बार प्रैक्टिस करें। अब अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने अभी आपको सिर्फ एक छोटी सी फाइल बना के दिखाई है, आपने अब मल्टीपल डॉकर फाइल बना के देखी है। नेट पे से डॉकर फाइल का उठाएं फॉर्मेट, कुछ नहीं करना आपने, यहाँ पे VI और डॉकर फाइल इसको खोलें आप, और नेट पे से जो भी कोड आपने उठाया है, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपने उठाई हैं, अच्छा सॉरी पहले मैं बाहर आ जाऊं एग्जिट करके कंटेनर से, उसके बाद मैं सपोज ये कमांड चलाता हूँ VI डॉकर फाइल वाली, तो आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे VI डॉकर फाइल, ये मैं सपोज आ गया। अब आप क्या करें, आई प्रेस करके इंसर्ट करें, ये सारा डेटा तो पहले आप रिमूव कर लें, ठीक है, उसके बाद नेट पे से कोई नया कमांड कोड उठाएं, डॉकर फाइल सैंपल आप डालेंगे आपको नजर आ जाएंगे, उसे यहां पर लिखकर उसकी इमेज बनाएं, उससे कंटेनर बनाएं, आप देखिए आप मल्टीपल कंटेनर बनाना सीख जाएंगे, ठीक है ना। अब सब कुछ यहां कराने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको रास्ता बता दिया और रास्ता बताना ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आपने कुछ नहीं करना, हर बार यहां पर अपनी वो इंस्ट्रक्शन कोड जो है वो यहां पेस्ट करना है और इसको आपने एस्केप करके colon WQ करके बाहर आना है और आपकी डॉकर फाइल से आप इमेज क्रिएट करें बिल्ड करके और उसके बाद उससे कंटेनर। तो ये बड़े सिंपल स्टेप है, यूनिवर्सल स्टेप है, आपने इन्हीं को फॉलो करना है, बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार हर बार एक नई डॉकर फाइल बनाए नेट पे से प्रैक्टिस करके, और आप देखें आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत कॉन्फिडेंस आपको आएगा। अच्छा एक बात और, एक काम करते हैं, इस मशीन को भी आप डिलीट कर लीजिएगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आपका दोबारा बिल बने, तो हम दोबारा से फ्रेश मशीन बनाएंगे, तो इसको आप अब मशीन को आप बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपके सामने ही अपनी भी मशीन बंद कर देता हूँ, तो यहाँ पे नहीं तो आप कहोगे आपने चीटिंग करी, आपकी मशीन चालू रह गई, तो मैं यहाँ पे मैं भी आपके सामने टर्मिनेट कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब तो खुश हो आप, मैंने टर्मिनेट कर दिया अपनी मशीन, आप भी टर्मिनेट कर दें, नेक्स्ट टाइम जब हम लैब करेंगे तो दोबारा से फ्रेश बना लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। आई होप यार आपको डॉकर की ये लैब बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा डॉकर फाइल का, डॉकर डिफ का। फिर भी कोई मसला है तो आप खुद से भी गूगल करें, थोड़ी सी आप कोशिश करें, क्योंकि जितने भी लोग हैं जो डॉकर से बिल्कुल अनजान हैं, उनके लिए ये मोर देन एनफ है, आपके बुनियाद बनाने के लिए ये मोर देन एनफ है, आप इसको बार बार प्रैक्टिस करें, आई होप आप डॉकर पे मास्टर हो जाएंगे। अभी तो डॉकर पे और बहुत कुछ आने वाला है, नो नीड टू वरी। तो वीडियो को लाइक जरूर करिए यार, अपने दोस्तों को जरूर बताया करें, इस वीडियो को अभी फटाक से सिर्फ लाइक नहीं करना है, कमेंट भी करना है, और साथ साथ इसका लिंक शेयर करके अपने व्हाट्सएप पे दोस्तों के साथ शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, और चलें आज आपको कुछ अपना ही लिखा हुआ सुनाते हैं। ये कभी कॉलेज टाइम में मैंने लिखा था, जब मैं आपकी तरह पढ़ता था और या आपकी तरह जवान था, अब तो बुढ़ा हो गया, बाल सफेद हो गए। चलें अच्छी बात है। रोज कहानी लिखता हूं मैं, रोज कहीं खो जाता हूं, रोज कहानी लिखता हूं मैं, रोज कहीं खो जाता हूं, दर्द नया फिर दिख जाता है, गजल कोई कह जाता हूं, फूल और पत्ते चांद और तारे किस पे कितनी बार लिखूं, फूल और पत्ते चांद और तारे किस पे कितनी बार लिखूं, जब भी कुछ लिखना चाहा तो बात तेरी कह जाता हूं, जब भी कुछ लिखना चाहा तो बात तेरी कह जाता हूं। चलिए वो किसी ने एक बड़ा अच्छा शेर कहा है ना, कि एक दिन हमारी किताब छपेगी और लोग तुम्हें पढ़ेंगे। चलिए ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।